ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਓਨੈਸਟ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਢਾਬਾ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਸੀਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो ये है किसान ढाबे का फैमिली रूम जहाँ पर फैमिलीज आ सकती हैं चिल कर सकती हैं एंड दे कैन एंजॉय फूड विद देयर फैमिली एंड हैव सम क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड आप देख ही सकते हैं कि 5 से 6 फैमिली इस रूम में आराम से बैठ सकते हैं। तो ये है किसान ढाबे का बैंकेट हॉल जिसमें आप स्मॉल सेरेमनीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 80 से 100 जने आराम से एक टाइम पे पार्टी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी यहाँ पे स्पेशल ओकेजन पे आ सकते हैं इसको स्पेशल ओकेजन्स के लिए बुक कर सकते हैं। और बैंक्वेट हॉल की अगर बुकिंग नहीं है तो जो पीछे सोफ़ा लगे हुए हैं वहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आके ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 15 ਜਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਵੈਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਯਹਾਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸਕੀ ਵੀ ਕਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਕੋ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਚਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਥੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है जो जिंजर गार्लिक का टेस्ट है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है और हर एक सॉस अपना खुद का फ्लेवर बीच में रिलीज कर रही है फ्लेवर हर एक सॉस का भी बहुत बढ़िया है और पनीर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता और इसके बाद हमारा आएगा मेन कोर्स एंड नाउ लेट्स एंजॉय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेन कोर्स डिश हमारी आ गई है। मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया है गार्लिक नान लच्छा परांठा एंड पनीर टिक्का बटर मसाला एंड अभी चलो इसे टेस्ट करते हैं अभी कैसा है इसका टेस्ट चलो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें कोई भी मक्खन जो है बाजार का जैसे अमूल्य वो वाला कोई भी मक्खन यूज नहीं किया इन्होंने अपना जो खुद का बनाया हुआ व्हाइट मक्खन यूज किया हुआ है इसमें। तो पहले हम टेस्ट करते हैं गार्लिक नान फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है जो
गार्लिक नान में गार्लिक का टेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आ रहा है, और पनीर टिक्का बटर मसाला इतना अच्छा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना है पनीर टिक्का बटर मसाला। एंड आप देख भी सकते हैं कि ग्रेवी कितनी ज्यादा बढ़िया है, पूरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया, और इनका पनीर सबसे बड़ी बात पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एंड गार्लिक का आई कैन नॉट गेट पास द गार्लिक फ्लेवर, और जो मतलब टिपिकल पंजाबी सोच होती है कि थोड़ी चीज स्पाइसी हो थोड़ी मतलब नॉर्मल हो, वही है भी, स्पाइसी भी है अपनी जगह स्पाइसी भी है, और स्पाइसी के साथ साथ इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है भी। हम कह सकते हैं दिस ढाबा इज मेनली फॉर प्योर पंजाबी फूड, अगर आप प्योर पंजाबी फूड इंजॉय करना चाहते हैं तो आई प्रेफर किसान ढाबा। तो ये है इनका लच्छा परांठा, लच्छे परांठे के आप लच्छे देख सकते हैं, लच्छे कितने बढ़िया आए हैं। तो अभी मेरे साथ आया सचिन, और सचिन टेस्ट करके बताएगा कि इनका गार्लिक नानी लच्छा परांठा और जो मेन कोर्स डिश हमारी पनीर टिक्का बटर मसाला कैसी बनी है। तो रेसिपी की तो बात शाह ने करी दी है, प्योर पंजाबी जिसने बोला है, एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू, जिसने भी पंजाबी टेस्ट करना है सो किसान ढाबा इज आई थिंक वेरी गुड फॉर देम, वो जरूर आए एक बार। जैसे लास्ट जैसे बोलते हैं वी आर ओरिजिनल, जो हम पुराने टाइम पे जैसे होता नहीं अच्छा मसाले वाला जो ओरिजिनल मसाला वगैरह होते हैं, एवरीथिंग इज आई थिंक इंक्लूडेड इन दिस डिश। तो और सेकेंड थिंग इज लच्छा पराठा, काफी सॉफ्ट है, काफी अच्छा है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट भी आ रहा है साइड से, काफी अच्छा लग रहा है ये भी। एंड फॉर मी आई थिंक अगेन मैं बार बार यही बोलूंगा किसान ढाबा प्लीज ये डिश जरूर ट्राई करना, चीज चिल्ली और सेकेंड डिश इज यही नहीं अकेली आप ये डिशेस खाएं, इनके पास हर एक डिश है, एंड हर एक मतलब डिश ही हर एक डिश ही बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे खाना क्या है, हाँ इतना कुछ देख रहे हैं, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक ये भी यार ट्राई कर लेंगे प्रोग्राम। और चीज चिल्ली टेस्ट करने के बाद हम बिल्कुल ही मतलब सोच में पड़ गए थे भी चीज चिल्ली इतनी टेस्टी है तो मेन कोर्स कितना ज्यादा टेस्टी होगा। हमने कम से कम 10 से 15 मिनट लगाए सोचने के लिए कि हम मेन कोर्स में ऑर्डर क्या करें, और फिर हमने किया पनीर टिक्का बटर मसाला ऑर्डर, एंड ऑनेस्टली वी आर वेरी हैप्पी दैट वी ऑर्डर दिस, टेस्टी बहुत ज्यादा है, पंजाबी टच इज ऑसम। एंड लास्ट टाइम मैं इधर किसान ढाबे अपनी फैमिली के साथ आया था, जब मैंने इनका नॉनवेज ट्राई किया था, एंड नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल था। मैंने ऑर्डर किया था क्रीम रोस्टेड चिकन एंड तंदूरी चिकन, आप प्रेपरेशन आपने देख ही ली होगी फ़ोटो में, और प्लेटिंग भी बहुत बढ़िया थी एंड फ्लेवरफुल तो था ही, उसके साथ साथ इनका जो सैलड था सैलड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया मेन कोर्स, मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया गार्लिक नान लच्छा परांठा विद मेथी मलाई चिकन, एंड मैंने बहुत ज़्यादा वर्जन्स टेस्ट किए मेथी मलाई चिकन के, एंड आई कैन से दैट दिस वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ मेथी मलाई चिकन आई हैव एवर ईटन, फुल पंजाबी टच फुल पंजाबी टेस्ट, मेथी मलाई चिकन वॉज द बेस्ट डिश मतलब अमंग ऑल द चिकन, बाकी दोनों चिकन भी अच्छे थे पर मेथी मलाई चिकन वाज ऑसम। ते ए ने किसान ढाबे दे ओनर ए मेरे मामू भी ने, तो थैंक यू मामू बहुत बहुत इनवाइट करने ली। ते तुसी कुछ बोलना चाहोगे मतलब भी किसान ढाबा वगैरह ते भी बाहर किसान ढाबा ते अंदरों होटल तो भी वधिया एंदे ते जे तुसी कुछ बोलना चाहो तो। देखो जी मैं कई बार वेख्या जो असीं दिल्ली जाने या चंडीगढ़ जाने उत्थे कई होटलां दे विच बाहर जिहड़ा प्रोफेशनल नाम दिता हुंदा अंदरों देसी हुंदा, ते असीं उहदे उल्ट चलने आ, बाहरों देसी नाम दिता है अंदरों असीं जिहड़ी रॉयल लुक दित्ती है, वी लोकां नूं समझ के आण वी अंदर देसी जिहा होएगा जदों अंदर वड़दे ने अखां खुल्लियां दे खुल्लियां रहिंदियां ने, एड्डी रॉयल लुक ते नाम देसी जिहा, इस चीज़ नूं करके मैं इह बहुत ज्यादा वधिया तुहाडा
ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਹਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਓਪੋਜਿਟ ਨਿਊ ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਮੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ਼ਾਨ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਨ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਯਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਜ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ, ਢਾਬਾ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਮੰਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਇਆ ਪਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੇਨਟੇਨਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਢਾਬਾ, ਨਾਮ ਢਾਬਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢਾਬਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੇਨਟੇਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਡਿਸ਼ਿਜ਼, ਹਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫੋਰ ਨਾਓ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।